नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रही होगी, जिस फोटो को मुझे यहाँ पर पासपोर्ट साइज क्लियर फोटो यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर किस तरीके से मैं इस फोटो को क्लियर करूँगा और किस तरीके से इस फोटो को पासपोर्ट फोटो में कन्वर्ट करूँगा, बेस्ट क्वालिटी में किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो कस्टमर है, मतलब ये जो लड़की है, 2-3 दिन पहले मेरे पास आई और बोल रही थी कि मुझे इस फोटो का पासपोर्ट फोटो बनाना। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर सबसे पहले तो इस फोटो को मैं HD फोटो में कन्वर्ट करूंगा, जिसके लिए यहाँ पर सिंपली मैं फोटो क्वालिटी इंक्रीज ऑनलाइन लिखकर गूगल पर सर्च कर दूंगा। फर्स्ट लिंक आएगी जिस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर अब मुझसे फ़ोटो की लोकेशन मांग रहा है, कहाँ मेरी फ़ोटो है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने ये फ़ोटो सेव करके रखी है, उस फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद देखिए यहाँ पर एक लोडिंग वगैरह चल रही है, आपको दिखेगी नहीं लेकिन लोडिंग चल रही है। इसके बाद यहाँ पर फ्री डाउनलोड का एक बटन दिखाई देगा, सिंपली आपको इस फ्री डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारी फ़ोटो कितनी HD हुई है। तो यहाँ पर अब मैं इस फोटो को खोलकर दिखाता हूँ, देखिए आप लोग देख सकते हो कितना HD फोटो हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इस फोटो को लोकेशन वाइज वहीं पर शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ से मैंने इस फोटो को सेलेक्ट करने के बाद क्लियर किया था, ताकि मैं आपको फोटो में क्लियर कंपैरिजन दिखा सकूं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस फोटो को दिखाता हूँ जो कि ओल्ड फोटो, किस तरीके से धुंधली फोटो है। और यहाँ पर अब मैं आपको जो अभी मैंने HD किया है फोटो को, उसको आप देख सकते हो। देखिए दोनों ही फोटो में कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए दोस्तों दोनों ही फोटो में आपको कितना अंतर देखने को मिल रहा होगा। एक पुरानी फोटो जिसको मैं जूम करता हूँ तो लगभग फेस भी मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी जो फोटो है जिसको मैं यहाँ पर देखता हूँ बिना जूम के भी, तो यहाँ पर क्लियरली फेस समझ आ जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैंने फोटो HD की है उस फोटो को मैं फोटोशॉप पर पेस्ट करूँगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फोटोशॉप ओपन कर लिया। अब सिंपली यहाँ पर जो मैंने फोटो बदली थी उसको ड्रैग एंड डाउन करूँगा फोटोशॉप पर। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, क्रॉप टूल को सिलेक्ट करूँगा, विथ में मैं यहाँ पर 1.2 इन कर दूँगा और यहाँ पर हाइट में यहाँ पर 1.6 इन किए देता हूँ, ठीक है ना। करने के बाद यहाँ पर रेगुलेशन आपको 300 रहने देना है। इसके बाद क्रॉप टूल की मदद से आपको फोटो का साइज सेलेक्ट करना है, जितनी भी आप फेस यहाँ पर आप पासपोर्ट फोटो में रखना चाहते हो उस फोटो को आप यहाँ पर रख सकते हो। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से मैं क्रॉप किए लेता हूँ और घुमा लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर ओके बटन पर प्रेस किए देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर लगभग पासपोर्ट फोटो का क्लियर साइज आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल S की मदद से सेव किए देता हूँ, ठीक है ना। सेव करने के बाद देखिए अब मैं लोकेशन पर वापस जाता हूँ तो यहाँ पर लगभग मेरी पासपोर्ट फोटो सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इसके लिए भी मैं गूगल क्रोम का यूज करूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर फोटो बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव ऑनलाइन लिखकर सर्च करूंगा। तो फर्स्ट लिंक यहाँ पर आती है, उस पर मैं क्लिक किए देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड इमेज के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर लोकेशन वाइज मुझे वही फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है जो कि मैंने पासपोर्ट फोटो में क्रॉप किया था, ठीक है ना। करने के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ी सी प्रोसेस चलेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इसका लगभग रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक किए देता हूँ। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए लगभग जो मेरी फोटो थी वो यहाँ पर आ चुकी है पासपोर्ट साइज में। इसका जो बैकग्राउंड है उसको एक अलग कलर देने की कोशिश करूंगा, तो जिसके लिए मैं यहाँ पर लेयरक्स बॉक्स में आ जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और डुप्लीकेट लेयर्स के बटन पर क्लिक किए देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर्स आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपली जो 0 करके यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट लेयर, उसको मैं डिलीट किए देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली कोई सा भी कलर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। कलर सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से किसी भी कलर को सेलेक्ट किए लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर मुझे ब्रश टूल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा से डुप्लीकेट बटन पर क्लिक कर देना है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से उसी पेज को दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने ब्रश टूल को बड़ा करने के बाद बैकग्राउंड में पूरे में आपको इस कलर को पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। कलर को पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर
कंट्रोल ए की मदद से पूरा बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करना है। एडिट बटन पर जाना है, स्टॉक पर जाना है, यहाँ पर कलर आपको ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर विड्थ में आपको 5 पिक्सल रहने देना है। ओके बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपकी फोटो यहाँ पर हो जाएगी तैयार। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब दोस्तों अगर आपको एक कलर भी पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ पर ब्लू टाइप का भी कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर इस कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी वो आपकी इच्छा है, आप किस कलर को पसंद करते हो, किस कलर के थ्रू यहाँ पर बैकग्राउंड रखना चाहते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दोबारा से कंट्रोल ए की मदद से बैकग्राउंड सिलेक्ट करूंगा, एडिट पर जाऊंगा, स्टॉक पर जाऊंगा और यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद 5 पिक्सल पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, यहाँ पर कस्टम की जगह पर मैं A4 सिलेक्ट करूंगा, ओके बटन पर प्रेस करूंगा और ये जो फोटो है उसको दोबारा से सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट ई के साथ प्रेस कर दूंगा और इसे ड्रैग एंड डाउन करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहां पर A4 साइज के पेपर को फुल सिलेक्ट करूंगा और यहां पर एक एक करके मुझे जितनी भी यहां पर इस फोटो की कॉपी बनानी है यहां पर कंट्रोल अल्ट के साथ माउस की सहायता से उठाकर मैं यहाँ पर रखते जाऊँगा, ठीक है ना। आप भी यहाँ पर कीबोर्ड और माउस की सहायता से यहाँ पर इसकी जितनी भी कॉपी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर अलग अलग फोटो हो जाती हैं। अगर आप इनको एक साथ मर्ज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि सबसे लास्ट का फोटो सिलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल ई की मदद से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी फोटो को मर्ज कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप भी यहाँ पर जितने भी अपने कस्टमर्स की फ़ोटो बनाना चाहो बना सकते हो बहुत ही इजी वे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर पासपोर्ट फोटो बनाने जा रहे हो तो ये तरीका आपको पासपोर्ट फोटो बनाने का पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।